नाइकी ने कुछ साल पहले शूज लॉन्च किए थे और उन्हें उस समय उन शूज का प्रमोशन करना था। उस समय प्रमोशंस के लिए माइकल जॉर्डन से बड़ा नाम कोई नहीं था। 1984 में नाइकी ने शूज बनाए थे और माइकल जॉर्डन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और इसीलिए इन शूज का नाम नाइकी एयर जॉर्डन रखा गया। लेकिन एक प्रॉब्लम के कारण एनबीए ने इन शूज को बैन कर दिया क्योंकि ये शूज उनकी जर्सी से मैच नहीं कर रहे थे और अगर मैच के दौरान जॉर्डन वो शूज पहनेंगे तो उन्हें 4 लाख की पेनल्टी लगेगी। तो नाइकी ने बोला आप शूज पहनिए, पेनल्टी का प्रबंध हम करते हैं। नाइकी जानता था इस मैच के बाद इन शूज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। उस साल नाइकी ने एस्टिमेटेड ईयरली रेवेन्यू 20 करोड़ सोचा था लेकिन जॉर्डन की वजह से 20 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हो गया। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री है।